नमस्कार, संगीता'स किचन में आपका स्वागत है। तो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं पान से बनने वाली कई सारी रेसिपीज, और जिसके अंदर मैंने आपको पान शॉट के बारे में दिखाया और फिर मैंने बना के दिखाया आपको पान और डेट्स का एक बढ़िया सा आफ्टर मील स्नैक। तो देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं, ये पान है मेरे पास कलकत्ते के, इससे मैं बनाऊंगी पान की आइसक्रीम। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग होती है, आफ्टर मील है ये। और हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके लिए इंग्रेडिएंट्स मैंने क्या लिए हैं, मैंने सौंफ, गुलकंद और नारियल के पाउडर को थोड़ी देर भिगा दिया था। ये तीनों चीजें हैं, सौंफ, मैंने सौंफ को पीसा, गुलकंद डाला और ये है मेरा नारियल पाउडर। और इसके अंदर मैं डालूंगी ये पान के पत्ते काट के, और इसको भी हम पीस के एक बैटर बनाएंगे। साथ में इस्तेमाल करूंगी मैं दूध, और ये है थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम, ये मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है, और ये एवरीडे मिल्क, तो थोड़ा सा मिल्क पाउडर। और गार्निशिंग के लिए मैं यूज करूंगी ये कलरफुल प्यारी सी टूटी फ्रूटी। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मैंने पान का पत्ता लिया और मैं कुछ इस तरह से करके इसके अंदर काट रही हूँ। हम सारी चीजें एक साथ मिक्सी में डालेंगे और इसको पीस लेंगे। बहुत ही बढ़िया प्यारा सा ग्रीन एक बैटर में तैयार करके आपसे मिलती हूँ। एक और पत्ता ले लेंगे हम, और इसको भी मैं बारीक काटूंगी। ये मैं दूध के साथ इसको पीसूंगी और उसी के अंदर मैं बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो देखिए, ये पान के पत्ते और नारियल, गुलकंद, सौंफ, ये सारी चीज मैं मिक्सी में डाल रही हूँ। बहुत ही लाजवाब स्वाद आएगा हमारी पान की आइसक्रीम में। तो ये डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी ये थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम। आप चाहें तो घर की फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, लेकिन आइसक्रीम को एक अच्छा टेक्सचर देने के लिए ये बढ़िया है। और अब मैं डालूंगी ये मिल्क पाउडर। साथ में मैं डालूंगी थोड़ी सी शुगर। शुगर हम ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि गुलकंद में भी चीनी है और मिल्क में भी है, मिल्क पाउडर, व्हिपिंग क्रीम सब में। तो देखिए, ये सब चीजें हमने डाल दी और अब मैं इसको अच्छे से मिक्सी में मिला दूंगी। फटाफट बनने वाली ये पान आइसक्रीम हो जाएगी तैयार। अब आप देखिए, मैंने ये सब चीजों को एक साथ पीस लिया और आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये कलर आया। लेकिन जब हम जमाएंगे इसको तो ये लाइट ग्रीन और भी लाइट हो जाएगा। तो थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैं इसमें यूज करूंगी थोड़ा सा फूड कलर। देखिए, फूड कलर डालने से थोड़ा सा फर्क आया कलर में, थोड़ा सा ये हो गया ग्रीनिश। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं चम्मच को हटा देती हूँ और अब मैं इसको ऐसे पोर कर दूंगी इसके अंदर। हम इसको सेट करेंगे आप इसके ऊपर किसी भी तरीके की गार्निशिंग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये पान की आइसक्रीम है, वी वुड प्रेफर कि ये इसी तरह से नेचुरल
अच्छा सा स्वाद रहे। तो गार्निश में कर देती हूँ थोड़ी सी मेरी टूटी फ्रूटी से। एक्चुअली ये थोड़ी जमे तब हमें टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये नीचे बैठ जाएगी। तो मैं थोड़ी सी ये टूटी फ्रूटी डालूंगी जब ये थोड़ी देर रेफ्रिजरेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर और कितनी बढ़िया हुई है ये तैयार। और बस अब हम वेट करेंगे। मैं इसको रखने जा रही हूँ फ्रिज के अंदर और मिलते हैं 6 to 7 hours के बाद डिनर टाइम पे। आप ये पान आइसक्रीम आज खाइए। तो देखिए ये मेरी पान की आइसक्रीम हो गई तैयार और मैं इसको इस तरह से काटूंगी। बहुत ही लाजवाब बन के ये हुई है तैयार। और ये देखिए मैं इस तरह से इसके पीसेस करूंगी और एक पीस हम उठाते हैं। मैं साइड से थोड़ा सा इसको, मैंने अभी अभी इसको फ्रिज से निकाला है तो ये अभी रूम टेम्परेचर पे नहीं आई, लेकिन ये बहुत ही लाजवाब बनती हुई है तैयार। तो तब तक मैं एक स्लिट और लगा लेती हूँ इसके अंदर। तो ये देखिए हो गई हमारी आइसक्रीम तैयार। अब मैं इसको निकालती हूँ। अब देखिए ये मेरी पान की आइसक्रीम कितनी बढ़िया हुई है तैयार। आप खाएंगे तो बस मुंह में पानी आ जाएगा। ये देखिए मैं इस तरह से इसको सर्व कर रही हूँ। आप भी इसको जरूर ट्राई करिए और मुझे बताइए आपको ये झटपट बनने वाली आइसक्रीम कैसी लगी। अ वाव रेसिपी फॉर एवरीवन। ये देखिए है ना शानदार और बिल्कुल जानदार। और इसको थोड़ा सा मैं गार्निश करूंगी और भी मेरी टूटी फ्रूटी से। So do give it a try and let me know how did you like it. और अब मैं बाकी की आइसक्रीम को स्कूप करूंगी। तो ये देखिए मैं ये स्कूप कर रही हूँ आइसक्रीम। कितनी बढ़िया। एक लाजवाब रेसिपी। डू गिव इट अ ट्राई एंड डू लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक दिस। तो ये देखिए ये मैं रख दूंगी इसको यहाँ, है ना बढ़िया। और इसको भी मैं गार्निश कर दूंगी थोड़ा सा ग्रीन और येलो टूटी फ्रूटी से, कुछ इस प्रकार से। आप खाइए और मुझे बताइए आपको ये पान की आइसक्रीम कैसी लगी। तो देखिए ये मौसम है गर्मी का और इस वक्त ये बहुत ही रिफ्रेशिंग आइसक्रीम है, अ लवली डेजर्ट। डू गिव इट अ ट्राई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लव दीज इनोवेटिव टेस्टी डिलिशियस रमी रेसिपीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।